यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूरिया खाद की तस्करी का खुलासा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली से यूरिया के 130 कट्टे बरामद किए गए। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान यूरिया खाद को बरामद किया। यूपी का रहने वाला है ट्रैक्टर ड्राइवर। ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 130 कट्टे यूरिया के बरामद किए गए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से, और उसी के साथ पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान जो है सभी को पकड़ा है। और बड़ी बात यह भी कि यूरिया खाद की तस्करी की जा रही है, ये बड़ी बात। और अब इस तस्करी का खुलासा हो गया, लेकिन कब से इस तरह से यूरिया खाद की तस्करी चल रही थी, ये सवाल उठ रहा है। अब पूछताछ होगी, पुलिस की ओर से पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी, क्योंकि जो ड्राइवर पकड़ा गया है ट्रैक्टर में, जो ड्राइवर था जो तस्करी कर यूरिया खाद को ले जा रहा था, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि उसके साथ और कितने लोग इसमें शामिल हैं, उसको लेकर भी पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि लगातार पुलिस नाकेबंदी कर ऐसे तमाम तस्करों और उसी के साथ इस तरह की अवैध चीजों पर काम करने वाले लोगों को पकड़ने का काम पुलिस की ओर से किया जा रहा है। ये खबर यमुनानगर से सामने आई है, और उसी के साथ पूरे मामले को लेकर अब जांच की जाएगी। ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, नाकेबंदी के दौरान ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ा गया, और अब मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। यूरिया खाद की तस्करी का ये मामला, अब यूरिया खाद की तस्करी किस तरह से हो रही थी, उसका खुलासा नाकेबंदी के दरमियान किया गया।